तुम बस यहीं रहना, तुम कहीं जाना मत। और हाँ, नीति हाई प्रोफाइल है इसलिए अभी फिलहाल मैं तुम्हें अंदर नहीं लेके जा पाऊंगी, लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी जहाँ नीति को अपना गुनाह कबूल करना होगा। सबको पता चलेगा कि जो डिजाइन के लिए नीति को अवार्ड मिल रहा है वो डिजाइन तुम्हारे हैं। विधि, ये मेरे मैनेजर है सलिल, ये तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने में। मैम, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज प्लीज। मैं बस यही कहूंगी कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत, लगन और अपनी जिद के कारण ही किया है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड बिग ड्रीम्स, और उन ड्रीम्स को पाने के लिए फोकस्ड रहना, बस इसलिए आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। सलिल, तुम विधि को लेकर थोड़ी देर में अंदर आ जाना। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एक्चुअली। और हमारे देश की लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, बहुत टैलेंट है सब में। वो चाहे तो ये अवार्ड तो क्या, दुनिया का कोई भी अवार्ड जीत सकती है। बस डेडिकेटेड रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और फोकस्ड रहिए, तो जीत आपकी है। देखा तुमने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है हमारी नीति। सब पता है, मैंने ही सिखाया है। हाँ। रहने दो बेबे, अपने मुंह में मिठू। ऐसे कह रहे जैसे मैं तो जानती ही नहीं हूँ आपको। किसी फीकी बिल्ली बने रहते उसके सामने, कभी सुनती भी है आपकी? ये सब जो हो रहा है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मेरे जैसी सास का सपोर्ट है उसे, इसलिए आज यहाँ पहुंचे। तू तो अभी सास बनी ही नहीं है। और बाय द वे, इसे तेरा नहीं बल्कि तुझे इसका सपोर्ट है, नहीं तो अभी तक तो पिंड में ना गोबर लीप रही होती। गोबर लीप तो और बढ़िया है, फिर से शुरू मत कर। मैंने शुरू हो रही है। चल छोड़ ये सब, देखना कैसे फोटो खींच रहे हैं सब उसकी। दाइमा, क्या हुआ, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरे बच्चे, मैं तो तेरे बारे में ही सोच रही थी। एक साल पहले जब तू मैडम को मिली थी ना, तू भी बिल्कुल इस लड़की की तरह घबराई हुई थी, जैसे हर कदम पर अन्याय हुआ हो तेरे साथ। और आज देख, आज वो ही लड़की एक दूसरी लड़की की मदद कर रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। दाइमा, मॉम ने मुझे परी से पार्वती बनाया और उन्होंने ही मुझे सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते हैं, गलत का साथ कभी नहीं देते और आखिरी दम तक अपने हक के लिए लड़ते हैं। अगर आज मैं विधि का साथ नहीं दूंगी ना, तो इसका मतलब मैं मॉम की इंसल्ट करूंगी, और ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। मैं विधि को उसका हक और नीति को उसके किए की सजा दिला के ही दम लूंगी। कैसा फील हो रहा है, इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड आज आपको मिल रहा है? आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी एक्चुअली कि मेरे काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसे रिकॉग्नाइजेशन मिली, बहुत खुश हूँ मैं। आई मीन, डिजाइन्स का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मैम, आपने कब डिसाइड किया कि आपको घर और विला डिजाइन करना चाहिए? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इस बिजनेस को लेके? अरे यार, कितना ट्रैफिक है ये भगवान, इतना ट्रैफिक, टाइम से कैसे कोई पहुंच जाएगा ही? हाँ नीति, बोलो। चुप, कहाँ हो तुम, ये जल्दी आओ ना, सब लोग तुम्हारी नीति की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ होना बहुत जरूरी, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। मेरी वजह से हो रहा मतलब? तुम मेरी इंस्पिरेशन जो हो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा दिन आया है, आज मुझे अवार्ड मिल रहा है। जल्दी आओ ना। आ रहा हूं, बहुत ट्रैफिक है। मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी आओ बस। जल्दी आओ, ओके, बाय बाय बाय। ओके। कहाँ है वो? कौन? वही जिसने तुम्हारा मेरा हम दोनों का जीना आराम करके रखा है। तुम्हारे लिए पार्वती, मेरे लिए मेरी परी। कहाँ है वो, कहीं दिखाई नहीं दे रही? मुझे मालूम नहीं दे रहा। ये सरदार कौन है जो नीति के साथ बात कर रहा है? पता नहीं बेबे, अरे मैंने भी पहली बार देखा है इसे। है कौन? तुम तो रेडी हो ना आज के लिए,
काम हो जाएगा ना आज? आज फैसला हो ही जाएगा। आज क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन जो भी होगा बहुत बड़ा होगा राकेश, क्योंकि आज की रात तुम्हारी, मेरी और पार्वती की जिंदगी बदल सकती है, अगर पार्वती परी हुई तो। भैया जी मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा है, पार्वती अगर परी भाभी निकली तो इनका क्या होगा? मतलब इनके बाद इनका कुछ बचेगा नहीं, संजू भी गया। तेरे कहने का मतलब क्या है? परी संजू के पास चली जाएगी, मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। नहीं भैया जी, परी भाभी तो आपकी है, मैं यही कह रहा हूँ आप हो ना, क्या है ना कि संजू परी के गम में देवदास बन जाएंगे, तो इनके पास क्या बचेगा, सारी रोड़ी करेगा। राकेश ये क्या बकवास कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। ठंडे रखे यार, इसकी आदत है सब बोलने की। अरे खास है मेरा, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ी छूट दे रखी है मैंने। भैया इसकी बात अगर सच होती तब तक तो मैं परी का दूल्हा बन चुका होता, परी का दूल्हा बना मैं नहीं ना। सीरियसली मत ले इसकी बात को। वो अपनी जबान पर लगाम लगा, होल्ड योर हॉर्सेस। भैया जी कुछ ज्यादा ही बोल गया क्या? मुंह बंद रख, मुंडी नीचे रख। जी जी भैया जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लेकिन अब मेरी तबीयत बहुत बेटर है। आई एम एक्चुअली फीलिंग अ लॉट बेटर, और मुझे लगता है कि यू कैन लीव नाउ। थैंक यू। सॉरी मैम, एक्चुअली पार्वती मैम ने मुझे मना किया है स्ट्रिक्टली कि मैं आपको इस कंडीशन में ना छोड़ूं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तबीयत मेरी खराब है ना, और मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि आई एम फीलिंग मच बेटर, सो ट्रस्ट मी यू कैन लीव। मैम एक बार आप ना पार्वती मैम से बात कर लीजिए, अगर वो बोल देंगी तो मैं चली जाऊंगी। मैम लेकिन उससे पहले आप ये मेडिसिन खा लीजिए, ये लीजिए मैम। यही तो नहीं खानी है मुझे, लेकिन क्या करूं, अब मेरी तबीयत खराब है तो मुझे दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन यही दवाइयां खा खा के मुझे पूरे दिन नींद आती रहती है। मैम लेकिन अगर आप ये मेडिसिन नहीं खाएंगे तो आपको लंबे टाइम तक रेस्ट करना पड़ेगा, उससे अच्छा तो यही है ना कि आप ये मेडिसिन खा के जल्दी से ठीक हो जाइए। परिति देख, टाइगर ना मेरा आदमी है, तू शांति से बात करना, इतनी बदतमीजी से बात क्यों करती है? टाइम पास करने नहीं आया यहाँ पर, वो मदद करने आया मेरी, जिस प्लान को हम अंजाम देने जा रहा है उस प्लान में मदद करने के लिए आया। हाँ तो उसे बोलो कि अपना काम करे चुपचाप, मेरे और संजू के बारे में फालतू ना बोले, मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका। ठंड रखे यार, पता नहीं 24 घंटे गुस्सा तेरी नाक पे रहता है, छोड़ ना उसको, इग्नोर कर भाई। तो सुन भाई जी, कौन है तू? बड़ा देखा देखा सा चेहरा लग रहा है तेरा। जी जी मैं बल सिंह नाम है मेरा। झूठ मत बोल, सच सच बता कौन है तू, मैंने देखा है तुझे कहीं, बता। बल सिंह हूँ मैं। हाँ कहीं तुम राकेश के साथ तो नहीं हो? बहुत अच्छे पहचान लिए, पूरा सच भी जान लो। अब टाइगर युवा नेता राकेश अहलावत का राइट हैंड टाइगर। हाय रब, उसका मतलब राकेश भी है। बेबे हाँ चल चल चल, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बेबे ये नीति ना मरवाएगी हमें, बताओ राकेश को बुला लिया, चल लिए हाँ है तो चल ली, आखिर चाहती क्या है, मैंने बात करनी पड़ेगी इससे। हाँ कर। देख नीति, अब मैंने पहले जैसे राकेश नहीं रहा जो गुंडागर्दी करता फिरता था यार, अभी मैं इज्जतदार रेप्यूटेड पॉलिटिशियन बन चुका हूँ, तो मुझे ऐसे बंदों का हाथ में लेकर घूमना पड़ता है, अगर कहीं पर भी कुछ भी ऊंच नीच होती है तो मैं इनको आगे कर सकता हूँ और अपनी इज्जत अपना नाम सब कुछ बचा सकता हूँ। मैंने और भी बंदों को बुलाया है, इफ इनके जरूरत पड़ जाए, छोड़ना ये सब। मुझे बता परी कहाँ है यार?